खारघर येथील राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्था क्षेत्रीय केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 72वा वाढदिवस दिमाखात साजरा करण्यात आला. वाढदिवसाचे औचित्य साधून शनिवारी संपूर्ण देशभरात 72 ठिकाणी सामाजिक अधिकारिता शिबिरांचे आयोजन केलेले होते. या कार्यक्रमांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व शिबिरांमध्ये ऑनलाईन माध्यमाने थेट उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमाला भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी भेट देत 250 बौद्धिक दिव्यांग मुलांना शैक्षणिक साहित्यांचे वाटप केले. या कार्यक्रमासाठी प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रमेश बावसकर, डॉक्टर गायत्री अहुजा, डॉक्टर रवी प्रकाश सिंग, भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, सरचिटणीस दीपक शिंदे, माजी नगरसेवक रामजी बेरा, गिरीश गुप्ता, खारघर उत्तर भारतीय सहसंयोजक शैलेंद्र त्रिपाठी यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. या सर्व कार्यक्रमाचे आयोजन प्रकाश तोरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. हमारे यहाँ पे आए दिन कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हमारे खारघर में कुछ अनाथ आश्रम है, हम वहाँ पे जाकर उन बच्चों की सहायता करने की अपनी ओर से कोशिश करते हैं. हम तो सहायता नहीं कर सकते, पर देने वाले की ओर से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं. हमारे यहाँ पे टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, जो देश भर से आने वाले कैंसर के मरीजों को ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर पहले रिसर्च हुआ करता था, अब ट्रीटमेंट भी यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर दी जाती है. तो ऐसी इंस्टीट्यूट जो आज देश की सेवा कर रही है, ऐसी खारघर में हमारे क्षेत्र में, इसका हमें गर्व है. हम चाहते हैं कि आपकी सेवा में हम आपका हाथ बटाएं, जहां कहीं भी आप ठीक समझें और आपको कोई तकलीफ ना हो, इस तरीके से इस सेवा में हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं. आज मैं जानता हूँ कि थाने पालघर डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर लोग आए हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ हो सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हर जगह पे अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कुछ पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आज शायद यहाँ पर नहीं है, कुछ समय बाद आए या फिर आज ना आए, लेकिन ऐसे लोगों को कोई भी सहायता की आवश्यकता है, आप अगर हमें बताएं तो हम वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके साथ वहाँ पर उनकी कोई भी उस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं. आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, सेवा में खुद प्रधानमंत्री जी समर्पित है, तो हम भी अपनी ओर से कुछ हमारा योगदान उसमें देना चाहते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप हमें जो जो यहाँ पर जिम्मेवारी देंगे, जो जो सूचना देंगे, उसका निर्वाहन मैं और हमारे सारे सहयोगी करते रहेंगे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.